गाजियाबाद में लूट की अजीबोगरीब वारदात का चौंकाने वाला खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है। लूट का शिकार हुआ शख्स अपने ही घर के अंदर महिला के वेश में बंधक मिला था, जिसने पुलिस से शिकायत की थी कि मदद मांगने के लिए आई महिलाओं के वेश में घर में दो बदमाश घुसे थे, जिसमें एक महिला और एक पुरुष बदमाश था, जिन्होंने उसको बंधक बनाकर बेहोश कर दिया था और पहले महिलाओं के कपड़े पहनाए और महिलाओं की तरह खुद बदमाशों ने उसका श्रृंगार किया और घर की अलमारी में रखे 20,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। घटना की सूचना पर गाजियाबाद पुलिस भी हैरत में पड़ गई थी कि ऐसी क्या वजह रही कि लूट से पहले बदमाशों ने घर में मौजूद पीड़ित शख्स को महिलाओं के कपड़े पहनाए और महिलाओं की तरह उसका श्रृंगार किया। आज लूट की इस अजीबोगरीब घटना का खुलासा पुलिस द्वारा किया गया है। मामले में जांच के बाद शिकायत देने वाले शख्स को ही हिरासत में लिया गया है। पुलिस के अनुसार उसके बेटे द्वारा एक फाइनेंस कंपनी से लोन पर ली गई रकम न चुकाने के लिए उसने खुद ही अपने साथ लूट कर लिए जाने की फर्जी कहानी रची थी। वहीं पुलिस ने इस मामले पर क्या कुछ कहा, देखें ये खास रिपोर्ट। दिनांक 5/9/2024 को थाना साहिबाबाद के लाजपत नगर निवासी विनोद राय पुत्र भरत राय द्वारा यह सूचना दी गई थी कि उनके साथ दो अज्ञात लोगों ने उन्हें स्त्री के कपड़े पहनाते हुए 20,000 रुपये ले लिए, उनकी वीडियो बनाई। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था और वहां पर टीम लगा दी गई थी संपूर्ण घटनाक्रम की जांच के लिए। जांच में जो तथ्य प्रकाश में आया उसमें यह आया कि विनोद राय के बड़े बेटे सूरज राय की मृत्यु 2021 में हो गई थी, तब से मानसिक स्थिति खराब थी। इसी दौरान इनके छोटे बेटे के द्वारा एक रूपीक फाइनेंस कंपनी से 60,000 रुपये लोन ले लिए गए थे और उसकी ईएमआई ये चुका नहीं पा रहे थे। रूपीक फाइनेंस के लोगों के द्वारा बार बार फ़ोन करके या धमकी दी जा रही थी कि यदि पैसे जमा नहीं किए गए तो वह इनके लड़के को जेल भिजवा देंगे। इस संपूर्ण घटनाक्रम की वजह से या अत्यधिक मानसिक स्थिति खराब हो जाने के कारण पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्होंने स्वयं ही संपूर्ण घटनाक्रम को अंजाम दिया, अपनी पत्नी के कपड़े पहने, मेकअप किया, सेल्फी ली और उसके बाद उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। बाद में घटनाक्रम को सत्य दिखाने के लिए इन्होंने अपने द्वारा ही अपने पैरों को बांधा, हाथों को बांधा और बिना मेकअप उतारे, बिना अन्य चीज़ें किए हुए उन्होंने शोर मचा करके लोगों को यह जानकारी। फिर इस मास्टरमाइंड के पीछे किसका हाथ बताया? ये संपूर्ण घटनाक्रम उसके दिमाग की उपज थी। वह मानसिक स्थिति उसकी बिगड़ी हुई थी। वह बड़े पुत्र के असामयिक मृत्यु हो जाने और छोटे पुत्र को जेल भेजने की धमकी से बिल्कुल घबरा चुका था और घर पे कोई भी नहीं था, उसकी तनख्वाह भी नहीं आई हुई थी, तनख्वाह उसकी प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है और 20,000 रुपये पता करने पे पता चला कि उसकी तनख्वाह है और 20,000 रुपये ही ईएमआई के पिछले दो ईएमआई वो जमा भी नहीं कर पाया था, इसी वजह से वो काफी परेशान था। प्लान कब से चल रहा था इसके माइंड में, क्योंकि घर में और कोई नहीं था? सर, महिला के श्रृंगार के पीछे क्या कहानी है? महिला के श्रृंगार के पीछे की कहानी यही है कि यह संपूर्ण घटनाक्रम को इस प्रकार से प्रायोजित करना चाहता था कि घटना में सच्चाई लगे और इसे कुछ नहीं सूझा तो इसने अपने आप को महिला दिखाते हुए महिला का श्रृंगार किया, अपनी पत्नी का, और श्रृंगार करने के साथ ही साथ संपूर्ण घटनाक्रम को सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित भी करना चाहा, उस पर अपलोड किया ताकि इसे घटना को लोग सत्य माने। सर, घटना के दौरान 20,000 रुपये बदमाशों द्वारा ले जाने की बात कही गई थी? जी, ये वही 20,000 रुपये की बात कर रहा था कि अगर ये 20,000 रुपये लूट के साबित हो जाते तो ईएमआई व जो जमा करने का रूपी फाइनेंस कंपनी द्वारा दबाव बनाया जा रहा था वह कुछ समय के लिए इसके ऊपर टल जाता है।